नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल। लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट एंड द मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉमा? The clavicle fracture are common injuries in young active individuals, especially those who participate in activities or sports where high speed falls like bicycling, motorcycles or violent collisions like football, hockey are frequent. Incidence in male is highest in the under 20 age group. The majority of clavicle fracture, that is 80% to 85%, occur in the mid shaft of the bone, whereas distal third fracture are the next most common type, that is 15% to 20%, and medial third fracture are the rarest, that is up to 5%. Here we can see in the mid shaft most common, then less common in lateral one third, and least common in medial one third. Mechanism of injury for clavicle fracture: a direct blow on the point of shoulder pe agar direct injury hoti hai, is the commonest reported mechanism of injury that produces a mid shaft fracture of the clavicle. This can occur in number of ways, including being thrown from a vehicle or bicycle during a sports event, from the intrusion of objects or vehicle structure during a motor vehicle accident, or falling from height like this. This can produce fracture. Now, displacement of the fragments. Displacement in the usual variety of fracture, that is at the junction of two curvatures, that is mid shaft, the lateral fragment is pulled downward by the weight of limb, medially by the pectoralis major, and forward by the rotation of scapula. Here we can see it. दो fragments हो गए fracture होने के बाद में, clavicle के दो fragments हो गए, एक fragment हो गया medial, एक fragment हो गया lateral fragment. तो lateral fragment का displacement किस तरीके से होगा? एक तो ये downward displaced होगा, क्यों? Because of the वेट ऑफ लिम्ब, लिम्ब के वेट की वजह से नीचे चला गया. अब इसको पेक्टोरलिस मेजर मसल जो है ये इसको आगे की तरफ खींचेगा, फॉरवर्ड. सो डाउनवर्ड फॉरवर्ड, ये दो डायरेक्शन हो गई. उसी के साथ में पीछे से स्कैपुला है, तो ये स्कैपुला इसको ऊपर की तरफ खींच देगा. सो दिस फ्रैगमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. अभी जो क्लाविकल ऐसा है, ये बीच में से टूटने के बाद में फ्रैगमेंट इस तरीके से बाहर निकल जाएगा, नीचे की तरफ और बाहर सामने की तरफ, एंड लिटिल लाइक दिस. वेयर एज जो मीडियल फ्रैगमेंट है, इसका क्या होगा? ये मीडियल फ्रैगमेंट जो है, ये स्टर्नोक्लियोडोमास्टॉइड की वजह से ऊपर की तरफ खींच जाएगा. सो द मीडियल फ्रैगमेंट विल बी पुल्ड अपवर्ड्स. ओके, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर. इन यूजुअल टाइप ऑफ फ्रैक्चर, पेन ओवर द क्लेविकल, पेशेंट सपोर्ट द एल्बो, इस तरीके से पेशेंट अपने एल्बो को सपोर्ट करके रखेगा. ऑफ द अफेक्टेड साइड एंड अदर हैंड, विथ अदर हैंड एंड बेंड द नेक टू द अफेक्टेड साइड. इस तरीके से यहाँ से जो बोन निकल रही है, ये मीडियल साइड, ये कहीं ना कहीं स्किन को हर्ट करेगी आगे, या नर्व्स को. तो इसको रिलीव करने के लिए स्टर्नोक्लियोडोमास्टॉइड का जो फोर्स है, इसको कम करना जरूरी है. तो पेशेंट अपने नेक को अफेक्टेड साइड की तरफ टिल्ट कर देगा. ऑन एग्जामिनेशन, टेंडरनेस एट द फ्रैक्चर साइट इज एलिसिटेड. ऑफन अ स्वेलिंग इज पैल्पेटेड विच इज सबक्यूटेनियस. इन फ्रैक्चर ऑफ द लैटरल एंड, पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन अराउंड द इंजर्ड शोल्डर एंड हैज डिफिकल्टी इन रेजिंग द, उसको हाथ ऊपर करने में डिफिकल्टी होती है जब लैटरल वन थर्ड ही जब फ्रैक्चर हुआ है. देन मैक्सिमम टेंडरनेस इज एट लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल.
कई बार इसमें डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं मिलता, बिकॉज ये एरिया जो है वो इसमें मसल्स और कैप्सूल जो है शोल्डर जॉइंट का, वो इसको टाइटली बाउंड कर लेता है। डायग्नोसिस एंड एक्सरे इज द कन्फर्मेटरी प्रोसीजर और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। वी कैन सी क्लियरली द फ्रैक्चर, देन ट्रीटमेंट। एज फार एज ट्रीटमेंट इज कंसर्न, वी हैव टू गो फॉर दिस फिगर ऑफ एट बैंडेज। इस तरीके से फिगर ऑफ एट बैंडेज को हम टाई अप करके इसमें शोल्डर को, सॉरी क्लाविकल को अपने जगह पे स्टेबलाइज कर सकते हैं। यूनियन इज सेटिस्फैक्ट्री इन 2 to 3 weeks एंड कंपाउंड फ्रैक्चर इज रेयर, वेयर एज अ लिटिल माल यूनियन इज ऑलमोस्ट इन अवॉइडेबल, रेयरली एसोसिएटेड विद अंडरलाइंग वेसल इंजुरीज। यहाँ पे कोई मेजर वेसल नहीं मिल रही है तो ये इसको सिंपली हम ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम द टूडेज प्रेजेंटेशन। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू वेरी मच।